स्टारबक्स, सीसीडी, पिज्जा हट, हल्दीराम, ये सारे मेन्यूज ट्राई करने के बाद आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे बर्गर किंग का पूरा मेन्यू साफ। गरम है यार, डाल देते हैं बिल्ली। My rules, my life। आए, आए, यार गिरीजा हद है यार। चने चाहिए इसको कंजको वाले। हाय रब्बा। तो देरी किस बात की है? ले आओ। बर्गर किंग है तो बर्गर से स्टार्ट करेंगे। ले आओ। तो सबसे पहला बर्गर हमारे पास आया है मखनी बर्गर। गिरीशा खा रही है वेज मखनी बर्गर, मैं खा रहा हूँ चिकन मखनी बर्गर। ये ऐसा लग रहा है दाल या पनीर में जो ग्रेवी डलती है। सो दिस इज मखनी सॉस ना, तो ये एकदम तंदूरी सॉस नहीं है, इनकी अपनी इन हाउस मखनी सॉस है। जो ये मखनी चिकन, मखनी दाल, ये सब जो ऐसी वाली होती है ना, मखनी पनीर, सॉरी मखनी पनीर, ये शाही पनीर, बटर चिकन वैसी टाइप की। फ्लेवरफुल है यार काफी। आई थिंक अगर तुम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि बर्गर्स में भी आपको वो पूरा तड़कता भड़कता देसी फ्लेवर चाहिए, सो दिस इज द बर्गर यू कैन डेफिनेटली हैव। मैंने पहली बार खाया, मजा आया खा के। इसको रेट करना तो मैं इसको दूंगा 10 में से 7 नंबर। एंड आई थिंक आई आल्सो एग्री विद गट्टू, बस एक चिकन और वेज टिक्की का डिफरेंस है, रेस्ट इज सेम एंड दिस डिजर्व 7 नंबर। सो गाइस अगली आइटम है हैश ब्राउन, जिसे मैं आलू का कटलेट भी बोलता हूँ। लगते तो ये वैसे ही है, मेरे को तो इसको देख के ना वो ट्रेन में जो कटलेट नहीं मिलता ब्रेड और कटलेट वेज में, वैसी फील आ रही है। बट वो इतना तेल नहीं छोड़ता, देखो हम तो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, ये तेल देख लो इस बार। ओह गॉड। तो ये देखो इनके हैश ब्राउन में एक चीज है, इन्होंने आलू मैश नहीं किया हुआ, इन्होंने छोटे छोटे वो पीसेस कर रखे हैं। जैसे मुझे आलू के पराठे में पसंद है, जो बहुत गलत बात है, मैं इसको आलू के पराठे से कंपेयर कर रहा हूँ, बच पंजाबी। देखो बहुत टेस्टी है ये, नो डाउट, बट इतना ज्यादा तेल नहीं खाना यार। इसमें अगर मैं तेल निचोड़ दूं ना दोनों का, तो उसी तेल में ये वापस डीप फ्राई हो सकते हैं। इट्स ओके कटू, अगर तूने पराठे से कंपेयर किया इसको आलू, लेकिन वो इससे हेल्दी है। ओए होए, आलू के पराठे मम्मी के हाथ का घी से भरा, वो तो ऐसे पेल पेल के खा लूं मैं। तो देसी घी में आप तवे पे तल लो यार, इससे तो आई थिंक वो बहुत हेल्दी होगा। वैसे हम बैठे हैं बर्गर किंग का मेन्यू ट्राई करने और घर के खाने पे अटक गए। यार घर के खाने पे अटको और हमारी वीडियो भी देखो, हमने रिसेंटली ट्राई किया है घर का खाना देहरादून में, वीडियो है यार बेस्ट पहाड़ी फूड, एक बार ट्राई करो, वीडियो देखो मजा आ जाएगा आपको। तेल ज्यादा होने की वजह से मैं इसको 3 नंबर दूंगी यार, टेस्ट के हिसाब से मैं इसको 5 नंबर दूंगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा टाकोस, ये थोड़ा देसी स्टाइल टाको है, मेरा है चिकन टाको, इसका है वेज टाको। ओहो कितनी सारी चीज और सॉस जली हुई है, एंड वेज टाको में काफी कुछ है, फिलिंग इज लुकिंग वेरी नाइस। इसको बाइट लेके देखते हैं, वैसे तो बहुत गर्म है। डोमिनोज का वो जो आता है टाको, मुझे वो भी बहुत पसंद है, वैसा सही लग रहा है। मैं बोलने वाला था जो इसका क्रस्ट है टाको है, तूने अगर डोमिनोज का टाको खाया तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ये वाला बेटर है। हाँ मतलब अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको बर्गर नहीं खाना तो आप ये खा सकते हो, पूरा फ्लेवरफुल है, फुल ऑफ देसी फ्लेवर्स। 8 नंबर, क्या बात है, अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया लगा। मैं इसको दूंगा 10 में से 7 नंबर। मेरा थोड़ा बायस्ड ओपिनियन है, मैं पहले से बता रहा हूँ, केएफसी के क्रशर के आगे ना मुझे कोई शेक अच्छा नहीं लगता। वो बंद हो चुके हैं अब, आज पता नहीं क्यों बंद किए, बट चलो ठीक है ट्राई करते हैं। वी डोंट डिजर्व दिस। नहीं बस तो है, ये तो चीनी की दुकान है। मीठा इसमें बहुत है, बट बहुत ज्यादा मीठा है ये। Still better, ये तो पूरा मैंगो शेक है, ये मैंगो शेक है, बट इसमें भी चीनी काफी ज्यादा है, बहुत चीनी, थोड़ा सा अगर ये पी के देखेगी ना, थोड़ा सा ही पियो नहीं तो तू गाली देगी मुझे। इसको अगर रेट करना हो ना, सब शेक्स को एक साथ नहीं कर सकते, पर फ्लेवर रेट करना पड़ेगा। चॉकलेट को मैं करूंगा 5 out of 10, मैंगो को मैं स्टिल करूंगा 7 out of 10। फॉर मी इट्स 6 out of 10 एंड चॉकलेट तो यार एक्चुअली में थिक शेक वो चॉकलेट है, लेकिन उसमें कहीं है ही नहीं नाम, चॉकलेट का फ्लेवर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इट्स टू स्वीट। एंड मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा है, आप सच में पी के देखना, आप बताना मुझे कि क्या चीनी ज्यादा है कि मेरे को ही ज्यादा लग रही है। मैं इसको दूंगी यार 3 नंबर। तो गाइस मेरा अगला बर्गर है पनीर रॉयल बर्गर, और मेरा है फायरी चिकन।
फर्क ये है कि हमारे आई थिंक बंस बिल्कुल सेम है वेज नॉन वेज के. मेरे में दो टमाटर डाले हैं विद लेटस. ओह तेरे टमाटर हैं, मेरे टमाटर नहीं है. एंड इसके अंदर ना चिकन का जो पीस है वो थोड़ा थिक है एंड प्लस नीचे चीज डाली हुई है, फ्लेवर्ड चीज है. चलो बाइट लेते हैं. लेट्स सी. नाइस. अभी तो मुझे लगता था मैकडॉनल्ड्स का मैक्स स्पाइसी पनीर बहुत अच्छा है. पनीर रॉयल इज माय फेवरेट वेज बर्गर. ये बर्गर किंग का मैंने सिर्फ यही खाया. तूने इसमें नोटिस किया इसके बन में स्पाइसी पन है और उस पे स्पाइस मिक्स डाला हुआ बन के ऊपर, वो बहुत सही लगता है. वाओ यार इसे रुका ही नहीं जा रहा यार मेरे से, बहुत टेस्टी है. एक्चुअली इनकी स्पाइसी है ना जो इसके अंदर स्पाइस मिक्स डाला हुआ वो एडिक्टिव है. खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ. अब तो रेटिंग इसको मिलेगी बढ़िया वाली. 8 में से 10 नंबर दूंगा मैं इसको. 10 में से 8 नंबर दूंगा मैं इसको. सॉरी गट्टू और मैं एक ही क्लास में थे जब मैथ्स जब हमें टीचर मैथ्स पढ़ाता था. मुझे बहुत पसंद आया टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अपने भाई का गाइज ये हैं बर्गर किंग के काफ़ी फेमस चीज़ी फ्राइज. ये भी आपको हर टेबल पे मिल जाएंगे अगर आप बर्गर किंग में बर्गर खाने जाते हैं. कोशिश करा करो सिर्फ अपनी टेबल से मतलब रखा करो. एक रिशा की तरह नहीं जो सबकी टेबलें देखती रहती है. क्या आप भी मेरी तरह जो जाके रेस्टोरेंट में पहले टेबल पे देखते हो कि क्या ऑर्डर करा जा सकता है? प्लीज़ कॉमेंट करके बताना. बट एनी हाउ अब ट्राई करते हैं. गिरीशा के पास है इनके स्पेशल चीज़ी फ्राइज और मेरे पास है इनके कम चिकन फ्राइज. यार ये देखने में बहुत वियर्ड लग रहा है मुझे. बट यार ये जैसे मैंने ना खा रखे हैं पहले, मैंने पहली बार देखे कि फ्राइज के ऊपर ऐसा येलो चीज में, अरे वाह यार ये तो अमेरिकन फॉरेन वाला चीज है. बट जैसे इसको खाया ना मैंने फिर समझ में आ गया नहीं ये वो नहीं, देसी हरकत तो करी गई है इसके अंदर. इनके फ्राइज बड़े टेस्टी हैं. नाइस. इनके पता नहीं चीज से मुझे क्यों आलू का टेस्ट आता है. मतलब ऑब्वियसली उसका फ्राइज खा रहा हूं बट स्टिल नहीं, क्योंकि वो आलू के ऊपर डाल रखा है. बट हां मुझे भी थोड़ा Something is different. कुछ अजीब सा टेस्ट आता है यार ये जो चीज का जो धोखा करता है ना बर्गर किंग, मुझे ये समझ नहीं आता. बर्गर किंग को जरूर इस चीज पे काम करना चाहिए क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. हाँ. लेकिन अगर आप चीज का क्वालिटी और चीज थोड़ा और बेटर करोगे तो शायद ज्यादा मजा आएगा. मैं जो ये फ्राइज है ठीक है, मतलब चिकन फ्राइज को मैं दूंगा 10 में से 6 नंबर और फ्राइज को दूंगा मैं चीजी फ्राइज को 10 में से 5 नंबर. 7. So, अब आ गया है बर्गर किंग का सबसे हाईलाइटेड डिश, हाईलाइटेड बर्गर, आइकॉनिक बर्गर. Yes. मैंने काफी कुछ बोल दिया. Yes. ये है चिकन वॉपर और ये है वेज वॉपर. आई थिंक ये एक इकलौता बर्गर है जो मैंने हमेशा बर्गर किंग में खाया है और मैंने आज तक ट्राई ही नहीं करा कुछ. फटाफट इसको टेस्ट करते हैं. यम. ओए होए मजा आ गया. इनका वॉपर बहुत टेस्टी है. एंड देखो पता क्या मेरा फेवरेट वाला है, मटन वॉपर है. बट आज हमने वो नहीं मंगाया, चिकन वाला खा रहा हूँ मैं. बट मैं आपको फिर भी बताऊंगा दोनों का टेस्ट, दोनों बहुत ही बढ़िया होता है. मटन में थोड़ा स्मोकी फ्लेवर ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम है. बट ओवरऑल बहुत टेस्टी है. देखो वेज की कोई रीस नहीं है, वेज तो इतना बढ़िया है कि मैं क्या ही बताऊंगा. टू बहुत ही बढ़िया. एंड इनका बन भी डिफरेंट होता है. बट लेकिन बन टूट क्यों रहा है इतना? थोड़ा ड्राई हो गया, क्रम्बली क्रम्बली हो गया. क्योंकि लाए हो बहुत टाइम हो गया इसको, सो दोबारा गरम करेंगे. पिछले साल जब टीयूजी स्टार्ट हुआ था तब का पड़ा है. हम वेस्टेज नहीं करते हैं यार, हम अगले साल खा लेते. अगर आप चाहते हैं हम साल साल पुराना खाना ना खाएं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करें ताकि हम फ्रेश फ्रेश नया नया महंगा महंगा खाना खा सके और आपको बता सके वो कितना अच्छा है. नंबर दे दे अपने वॉपर को. मैं तो इसको दूंगा 10 में से 9 नंबर. देख मैं भी इसको 10 में से दूंगी 9 नंबर. तो दिस इज क्रिस्पी वेज, क्रिस्पी नॉन वेज. इसमें आपको व्हाइट सॉस मिलेगी दोनों के अंदर. ओह इसकी टिक्की बहुत डिफरेंट है यार. क्या बात कर रहे हैं? वेज की. हाँ दिस इज अजवाइन सौंफ समोसे जैसी फीलिंग है. बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा यार ये. एकदम लड़की ने हमारी सही बोला है, समोसे के अंदर की फिलिंग वाला टेस्ट है. एग्जैक्टली. हाँ बट मेरे जो चिकन बर्गर है उसका बिल्कुल सेम टेस्ट है मखनी वाला, बस सॉस वो वाली है. तो मैं इसको दूंगा 10 में से 5 नंबर. 4 out of 10. ओके गाइस आज की हम वीडियो एंड करेंगे डिजर्ट पे.
लास्ट में कुछ मीठा होना ही चाहिए। और ये है बर्गर किंग से चोकोलावा केक। चोकोलावा केक, चोकोलावा केक मैंने आज तक कभी खाया नहीं, मतलब बर्गर किंग का नहीं खाया। मैंने डोमिनोज का खाया है, बट ये पहली बार खा रही हूँ मैं। यार देख, चोकोलावा में चोकोलावा भी तो होता है, मतलब अंदर जैसी स्पून मारा तो लिक्विड वो चॉकलेट गिरनी चाहिए ना, इसमें है नहीं। जो तू ढूंढने की कोशिश कर रहा है इसमें नहीं है ब्रो। बात ये है कि चोकोलावा में लावा तो है नहीं है, सिर्फ चोको रह गए। इसको ट्राई कर देना, वेरी नाइस। एक्चुअली इन्होंने पूरा केक को गीला कर दिया, मुझे लगता है लावा आया होगा, घुमा दिया सारा केक में। And then there's no liquid chocolate. ये कहना चाह रही है कि पूरा का पूरा जो बैटर है इसका वो मॉइस्ट है, वो लिक्विड अलग से नहीं है। खाती ऐसा लगता कच्चा है, बट वेन यू डाइव इनटू इट वो काफी सही लगने लगता है आपको। अब इसको एक बार रेट करते हैं 10 में से। आई थिंक मैं इसको 6 नंबर दूंगी। 10 में से मैं इसको रेट करूंगा 7 नंबर। आज हमने ट्राई किया बर्गर किंग का पूरा मेन्यू एंड काफी सारी चीजें खाई, काफी मजा भी आया खाके। अगर आपको लगता है हमने कोई चीज मिस की है इसके मेन्यू में से, प्लीज नीचे कमेंट करके बताना, पार्ट 2 बनाएंगे उसमें वो भी कर डालें। Yes, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल द अर्बन गाइड। देखो अगर आपको लगता है और किसी के मेन्यू ट्राई करने चाहिए वो भी कमेंट में बताई देना। कमेंट 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 ही करते रहना। पार्टी करेंगे जब 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो जल्दी करवा दो प्लीज। चलो।